नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आउट्रम घाट में ले जाएंगे। कोलकाता का आउट्रम घाट में, जहाँ एक तो सरकार द्वारा एक तो तीर्थयात्रियों को ठहरने के लिए एक तो जगह बनाया गया है, और तीर्थयात्री और साधु संत लोग आके यहाँ ठहरते हैं, और उसके बाद यहाँ से फिर गंगा सागर के लिए जाते हैं। तो ये जगह एक तो मेला का चेहरा लेता है, बहुत सामान बिकता है, तो चलिए वहाँ जाते हैं। और एक तो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं आउट्रम घाट का। वो इससे घुसने का रास्ता पार करके, स्टैंड रोड पार करके मेला में जाने का रास्ता ये है। एक मूर्ति दिखाएंगे जो कि मूर्ति देखिए, ये मूर्ति दिख रहा है बस का पीछे है। ये मूर्ति से थोड़ा साउथ की तरफ आने होगा, 1 किलोमीटर आने से मेला के जाने का रास्ता मिलेगा। वही आ रहा है, ठीक है। हम लोग को जाने पड़ेगा ये रास्ता से, फुटपाथ से। दोनों तरफ फुटपाथ के सामान लेके बैठा है, बहुत सारा सामग्री लेके बैठा है, और उसका बिजनेस भी होता अच्छा, बहुत सारा ग्राहक है उनका। देखिए कितना सामान लेके बैठे हैं लोग। यही फुटपाथ से जाने पड़ेगा। थोड़ा आगे जाने पड़ेगा गेट की तरफ। इसके अंदर में मेला का जो मेला में जो चीज बिकता है, मेला के बाहर अंदर में भी बिकता है थोड़ा बहुत, बाहर में देखिए क्या क्या बिकता है। अच्छा खासा बिजनेस होता है। আপনি ওখানে গাড়ি পার্ক করে রেখে দিয়েছেন, আপনাকে বারবার অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি আপনার গাড়ি ওখান থেকে সরিয়ে Yeah, the boys are still here.
দু নম্বর গেটে একটা গাড়ি পার্ক করা আছে, গাড়ির নম্বর হচ্ছে WB20BC6799। তার মালিক এবং ড্রাইভারকে বলা হচ্ছে আপনারা গাড়ি ওখান থেকে সরিয়ে নিন। দু নম্বর গেটে আপনারা গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, তাতে আমাদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। গাড়ি নম্বর WB20BC6799, আপনি ওখানে গাড়ি পার্ক করে রেখে দিয়েছেন, আপনাকে বারবার অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি আপনার গাড়ি ওখান থেকে সরিয়ে ড্রাইভার। আপ 9009 নম্বর গাড়ি কে আপ ড্রাইভার হ্যাঁ, और आप आगरा से आए हुए हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो दो नंबर गेट के पास आकर के अपने यात्रियों से मिले। ये यात्री आपके गाड़ी से कहीं छूट गए हैं और इस वक्त हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिस में हैं, तो आप शीघ्र से शीघ्र दो नंबर गेट में आकर के हमारे यात्रियों से मिले। धन्यवाद। हेलो हम कलकत्ता पुलिस के जो भी यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करते हैं, केएमसी के अधिकारी से अनुरोध करते हैं कि जो एम्बुलेंस आप रास्ते में खड़ी करके कुछ जहाँ पर पार्किंग की जगह आपको बताया गया वहाँ पर लगाइए। आपका जो हॉस्पिटल है जहाँ बगल में जो लॉकर है उसके पीछे पकड़ने की बात, बगल में सामने से इसको हटाइए। जो भी गाड़ियाँ आ नहीं पा रही है, पानी के टैंकर नहीं बुक कर पा रहा है, हम लोग का सिर्फ वैन नहीं घूमने पा रहा है, इतनी अच्छी पार्किंग की गई मेले में, इतनी अच्छी पार्किंग की व्यवस्था की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, किसी का फोन नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था इतनी अच्छी है। अभी एक गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के 2-3 दिन पहले शुरू होता है और मकर संक्रांति के दिन अगले दिन समाप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन ये चरण सीमा पर होते हैं। गंगा सागर मेला को गंगा सागर स्नान अथवा गंगा सागर यात्रा के रूप में भी जाना जाता है। गंगा सागर मेला हिंदू के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जिसे गंगा सागर स्नान या गंगा सागर यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये मेला हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। हर साल पश्चिम बंगाल सागर द्वीप तट पर ये वो स्थान है जहाँ होती है। ये स्थान हिंदुओं तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष स्थान है। बंगाल की खाड़ी विलीन होने से पहले हजारों हिंदू भक्त बंगाल नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए स्थान पर आ जाते हैं, एकत्रित होते हैं। गंगा सागर स्नान के दौरान देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला संक्रांति के कुछ दिन पहले शुरू होता है और मकर संक्रांति के अगले दिन समाप्त होते हैं। ये त्योहार सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य बंगाल में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। गंगा सागर संक्रांति के दौरान ही किया जाता है और हर साल 14 जनवरी को पड़ती है। सप्ती तो बार बार गंगा सागर एक बार ऐसा कहा जाता है। ये शायद इसलिए कि गंगा सागर आज से बहुत कठिनाई के साथ जाने होता है, बहुत तकलीफ तक जाने का, तो इसलिए एक दफे है। अच्छा बस कि आकर के विमल महतो को अपने गाड़ी में ले जाए। विमल महतो जी रांची हमारे कैंप गाड़ी संख्या JH02RR3390 के जो ड्राइवर है जरूरत नहीं है, ऐसा मत दीजिए। हम थोड़ा बात पूछे आपको ना, वो तो कर देंगे, दान कर देंगे, लेकिन बात पूछे। आप कहाँ से आते हैं? कहाँ से? उत्तराखंड से। आपका कोई आश्रम है क्या वहाँ?
5-3 हर साल आता है क्या? तो हर साल कैसे आता है? या तो बोलते हैं एक बार आने से हो जाता है, आपको हर साल क्या है? हर साल आते हैं। आप यहाँ से गंगा सागर कब जाएंगे? 14 तारीख जाएंगे। ठीक है बस ठीक है। हम सदस्यों से मेरा गुजारिश कि आप गर्मा गर्म चाय की व्यवस्था संयुक्त सेवा ऑफिस में और इन्फॉर्मेशन और कुछ लेने की जरूरत नहीं, हमें फोटो खींचेंगे, छोटी छोटी कुछ मत दिए हाँ, आपको फोटो खींचेंगे। ओके, हमारे साथ फोटो आपको सेल्फी होता है, वीडियो होता है। हर हर महादेव। उसके ना दूसरी जाती बोले फिर टेस्ट होगा, बोले छोड़ दिया ठीक से नहीं, दोस्त को लाया ठीक से जरूर चलो। हे माँ जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रही हो तो आपका बुढ़िया यहाँ पे 2 नंबर गेट के पास में इंतजार कर रही है। जिला शहडोल मध्य प्रदेश से हेमा जी आई हुई है मेला प्रांगण में, अगर वो हमारी आवाज सुन रही हो तो 2 नंबर गेट के सामने अपना कैंप अलाउंसमेंट है, यहाँ पे बुधिया जी आपका इंतजार कर रही हैं, कृपया आप आके इनको यहाँ से ले। सत्यनारायण पटेल जी, आप ग्राम पटराई सतना से आए हैं, जनक भाई जी आपका इंतजार यहाँ 2 नंबर गेट पर कर रही हैं, और आपसे विशेष निवेदन की आप यहाँ से जनक भाई ड्राइवर अनिल पांडे जी, आप जमनिया से चल करके
इस वक्त मेले में हैं आपके 5 तीर्थयात्री हमारे कैंप में, हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप आकर के उनसे मिले। अनिल पांडे जी, आप जवनिया से चल करके मेले में आए हुए हैं, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो शीघ्र से शीघ्र आप दो नंबर तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। नमस्कार।